प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं मिठाई वाला, उसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि हर कोई जो व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, कई बार हम उन व्यक्तियों को छोटा समझ लेते हैं और उनका अपमान भी कर देते हैं। लेकिन देखो बच्चों, अपना पेट पालने वाले ये व्यक्ति कई बार पैसों के नहीं प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए हमें उनके साथ प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो बच्चों, यह पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताती हूँ कि जब खिलौने वाला आता था तो सब बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि बड़े भी उसकी आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाते थे और इधर उधर देखने लगते थे कि यह किसकी आवाज़ आ रही है। जब वह बहुत ही मीठे स्वर के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस अधूरे से वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाले एक बार अस्थिर यानी बेचैन हो उठते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर यानी उसके गले से जब ये मीठी सी आवाज निकलती थी तो निकट के मकानों में हलचल मच जाया करती थी। सब बेचैन हो जाते थे, मकानों में आसपास देखने लगते थे कि किसकी आवाज आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर यानी बालकनी से नीचे झांकने लगती थी। गलियों में और उनके अंतरव्यापी जो उनके अंदर होते हैं, छोटे छोटे बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था और वो खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी को खोल दिया करता था। बच्चे खिलौनों को देखकर पुलकित यानी खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते यानी पूछने लगते, इसका दाम क्या है और इसका और इसका, जैसे बच्चे तुतली भाषा में बोलते हैं। अब खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही छोटी छोटी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार यानी जो उन्हें चाहिए होता था वो खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर से गाता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर के समान उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार सागर की हिलोरे यानी लहरें इधर से उधर उठती हैं और सबके मन को प्रसन्न कर देती हैं, ठीक इसी प्रकार खिलौने वाले की आवाज भी सबको खुश कर देती थी। वह गाता था और आगे गाता हुआ पढ़ता जाता था। अब राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर पर आए। आप जानते उनके बच्चों के नाम क्या थे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मीला घोड़ा कैचा चुंदल है। और मुन्नू भी बोला, ओले देखो मीला कैचा चुंदल है। अब देखो बच्चों, चुन्नू और मुन्नू दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में यानी पूरे घर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही। अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं यानी कितने पैसे में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है ना, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि देखो बच्चों, खिलौने वाला बहुत ही सस्ते में खिलौने बच्चों को दे गया था। माँ ने पहले तो विचार किया लेकिन बाद में वो इस बात को भूल गई कि खिलौने वाला इतने सस्ते में बच्चों को खिलौने
कैसे दे गया। अब देखो बच्चों, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिन से एक मुरली वाला यानी बांसुरी वाले के आने का समाचार फैल गया। चारों तरफ यह समाचार फैल गया कि नगर में एक बांसुरी वाला आया है। अब लोग आपस में बात करने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। अब सब सोचते हैं भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, उसकी तो मेहनत भी नहीं आती होगी इतने में, यानी 2-2 पैसे में बेचारा क्या कमाता होगा और क्या खाता होगा। अब एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। अब किसी ने उत्तर दिया, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही होगा 30 से 32 साल का, यानी 30 से 32 ईयर्स का, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा साफा यानी पगड़ी बांधता है। अब कुछ लोग बोलते हैं, वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब जो लोग सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं, अच्छा क्या यह पहले खिलौने बेचा करता था और अब मुरली बेच रहा है। अब देखो बच्चों, जब लोग आपस में बात कर रहे थे तो उनमें से ही एक व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति उसके बारे में पहले बात कर रहा था कि वह गोरा है दुबला पतला है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था जो पहले खिलौने बेचा करता था, तो वही होगा, पर भाई है तो वह एकदम उस्ताद यानी एकदम निपुण, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती यानी सब लोग उसके बारे में बात किया करते, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर, मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। देखो बच्चों, जो पहले बच्चों को बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब वो क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, उसने फटाफट से, उसे याद आ गई किसकी जानते हो, खिलौने वाले की। अब उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी तो ऐसे गागा कर खिलौने बेचता था। अब रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास जाती है और कहती है, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। अब रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी, वो जब मुरली वाले की आवाज़ को सुनती है तो वो सोचती है कि अपने बच्चों के लिए क्यों ना मैं मुरली ले लूं, और पता नहीं ये मुरली वाला वापस हमारी गली में आए या ना आए, तो वो अपने पति को फोर्स करती है यानी कि उनको मजबूर करती है कि वो जाएं और इस मुरली वाले से मुरली लेकर आएं। जब वो इधर उधर देखती है तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं देते, तो वो यह सोचती है कि उसके बच्चे पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं। देखो बच्चों, विजय बाबू यानी चुन्नू मुन्नू के पापा एक समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए यानी समाचार पत्र को हाथ में ही लिए हुए वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह से देते हो मुरली, यानी कि उनके पूछने का तात्पर्य था कि तुम मुरली कितने की दे रहे हो। अब जब सब बच्चों ने मुरली वाले की मुरली सुनी तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ढीला होकर लटक कर आ गया, क्योंकि सब बच्चे मुरली वाले की आवाज़ सुनकर फटाफट उसके पास पहुंच गए। अब जब देखो बच्चों, मुरली वाले की सबने मधुर आवाज़ सुनी, मधुर स्वर सुना, तो दौड़ते भागते हाँफते हुए बच्चों का झुंड यानी समूह आ पहुंचा और सब एक स्वर में यानी एक आवाज़ में बोल उठे, अम भी लेंगे मुरली और अम भी लेंगे मुरली, यानी कि बच्चे तोतली भाषा में यह कहना चाहते थे कि हम भी मुरली लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे थे इसलिए तोतली भाषा में बोलते हैं, अम भी लेंगे मुरली, अम भी लेंगे मुरली। अब मुरली वाला हर्ष से गदगद उठा यानी बहुत खुश हो गया और बोला, सबको देंगे भैया सबको देंगे, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे यानी वापस थोड़े ही चले जाएंगे, बेचने तो आए हैं
और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जब विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा तो उस समय वो बच्चों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन जब बच्चों को वो समझा देता है कि वो सबको मुरली देगा, उसके पास टोटल 57 मुरली हैं, तो वो क्या करता है, वो विजय बाबू के सवाल का जवाब देता है कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही मुरली दे दूंगा। अब विजय बाबू भीतर और बाहर यानी अंदर से भी और बाहर से भी मुस्कुरा दिए, खुश हो गए। मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी कि उन्हें ये लग रहा था कि सबको 2-2 पैसे की देता है, पर मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है कि आपको 2-2 पैसे की दे दूंगा। अब विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर मुझ पर क्यों ऐसा एहसान दिखा रहे हो, एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम से अप्रतिभ यानी हैरान हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, लागत मतलब कॉस्ट क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है यानी कस्टमर्स की आदत होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, यानी किसी शॉपकीपर को अगर कोई लॉस भी हो रहा हो और वो चीज़ को बेच रहा हो तो कस्टमर यही समझता है कि शॉपकीपर उसको लूट रहा है। तो यहाँ पर मुरली वाला विजय बाबू से यही कहता है कि ये ग्राहकों का दस्तूर होता है, उनकी आदत होती है कि दुकानदार कितनी भी हानि उठा के चीज़ बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। अब मुरली वाला कहता है, आप भला काहे को मेरा विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। आप विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो, 2 ठोर, मतलब यहाँ कहने का भाव है कि वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे लिए जल्दी से 2 निकाल दो। अब 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर अपने मकान के अंदर पहुँच गए। अब मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में यानी समूह में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये ले लो। देखो बच्चों, मुरली वाला बच्चों को उनकी पसंद के रंग के हिसाब से मुरली देता है। किसी को नारंगी रंग की चाहिए होती है तो कहता है, अच्छा नारंगी रंग की चाहिए तो यही ले लो। अब उनसे पूछता है कि तुम पैसे लेकर आए, अब जो बच्चे पैसे दे देते हैं उनको मुरली दे देता है, और जो नहीं लाए होते तो उन्हें क्या कहता है कि तुम पैसे नहीं लेकर आए, कोई बात नहीं तुम्हें पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे, तुमने अपनी अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। अब देखो बच्चों, वह मुरली वाला बच्चों को ट्रिक सिखाता है कि मम्मी से पैसे कैसे लिए जाते हैं, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर, यानी कि जाओ अपनी माँ की साड़ी को पकड़ लो और उनके पैरों से लिपट जाओ, और फिर प्यार से जब पैसे मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। इस प्रकार बच्चों को वह बहलाता है और प्यार से उन्हें मुरली भी दे देता है। किसी किसी के लिए तो पहले ही कहता कि ये लो तुम्हारे लिए तो मुरली मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है, बच्चों को आश्वासन देता है कि तुम्हें मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो दुवन्नी है, तो कहते हैं, अच्छा तुम्हारे पास दुवन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस ले लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके ना, तुम्हारे माँ के पास पैसे नहीं है। यानी बच्चों से पूछता है, अगर कोई बच्चा पैसे लेकर नहीं आता तो उसे कहता कि अच्छा तुम्हारी पास माँ के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं तुम ले लो। यानी कई बच्चों को फ्री में भी वह मुरली दे देता था, बच्चों का मन नहीं दुखाता था। मुरली देने के बाद वह बच्चों से कहता है, अच्छा तो अब मैं
चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही और फिर उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और बात सही भी है बच्चों, आप देखते भी हो कि जब भी कोई फेरी वाला आता है तो वो आपसे पैसे लेता है, चीज़ देता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन ये मुरली वाला सबसे बड़े प्यार से बोलता था। अब रोहिणी मन ही मन सोचती है कि सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, दो दो पैसे में। भला आदमी जान पड़ता है, बेचारा मजबूरी का मारा होगा, बेचारा इस तरह से मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी मनुष्य को अपना पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेचारा दो दो पैसे में सस्ती मुरली बेचता फिरता है। अब थोड़ी ही दूर दूसरी गली से रोहिणी को उसकी आवाज सुनाई देती है, हल्की हल्के स्वर में। और क्या आवाज सुनाई देती है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगती है कि इसका स्वर कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वो प्यार भरी स्नेह सिक्त यानी प्यार भरी बातें याद आती रही। अब फिर से महीने पर महीने बीत गए लेकिन मुरली वाला अब वापस नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई, यानी धीरे धीरे सब उसकी याद को भूलते चले गए कि कोई मुरली वाला भी आया करता था। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे, यानी बहुत अधिक सर्दी थी। रोहिणी स्नान करने के बाद मकान की छत पर चढ़कर आजान उलंबित, देखो बच्चों ध्यान से सुनना इस शब्द को, आजान उलंबित यानी घुटनों तक लंबे अपने केश राशि अपने बालों को सुखा रही थी। अपने बालों को वो धोने के बाद छत पर चढ़कर सुखा रही थी और उसके बाल जो थे वो घुटनों तक लंबे थे। इसी समय नीचे की गली में आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले किसकी आवाज़ आती थी? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और उसके बाद दूसरी आवाज़ आती थी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। लेकिन आज वही आवाज़ बदल गई और क्या थी? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वह खिलौने वाला मुरली वाले में बदला और मुरली वाला शायद आज मिठाई वाले में बदल गया था। अब देखो बच्चों, क्योंकि रोहिणी ने यह आवाज़ सुनी हुई थी तो यह मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित, परिचित यानी जाना पहचाना था। झट से यानी फटाफट रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट यानी नज़दीक आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी। अब वो क्या करती है, वो उसकी आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाती है और उसे देखने के लिए व्याकुल उठती है। अब दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले ज़रा इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं ना, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार यानी टेस्टी, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी को भी दूर कर देती हैं। अब जब मिठाई वाला कहता है तो वो उनसे पूछता है कि कितनी दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी वो बताता है कि जितने पैसे उसने निश्चित किए थे वो बहुत सस्ती देता था और वो कहता है कि मैं इतने पैसों में 16 गोलियाँ देता हूँ। अब जब मिठाई वाले ने कहा कि वह 16 पीस देगा तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, कम से कम 25 तो दो, क्योंकि देखो बच्चों हमारी आदत होती है मोल भाव करने की। तो दादी भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी इससे अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब वो कहती है, यह मैं अब तुम्हें क्या खैर, वो मतलब अपने आप में उलझ जाता है और कहते हैं, नहीं नहीं मैं इससे अधिक नहीं दे सकूँगा। अब रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी और वो क्या कहती है, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ही ले लो। और वो उन्हें पैसे पकड़ा देती है कि यह रहे पैसे। अब मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है,
तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अब इतने में मिठाई वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बूढ़ी दादी उससे मोल भाव कर रही थी। अब दादी कहती है, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव मुझे ज्यादा करना आता नहीं। अब दादी अपने पोपले मुंह से यानी उनके चेहरे पे झुर्रियां आई होती हैं और दांत नहीं होते, इसलिए चेहरा जरा पोपला सा लगता है। उनके चेहरे से मुस्कुराहट फूट निकलती है यानी वो हंसने लग जाती हैं। अब रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? तुम यहाँ के निवासी तो नहीं लगते हो, यानी तुम यहाँ के निवासी तो हो या नहीं हो? अब रोहिणी जानना चाहती है कि ये मिठाई वाला, मुरली वाला और खिलौने वाला एक ही तो नहीं है। अब रोहिणी ने दादी से कहा, दादी जरा इससे पूछो कि तुम इस शहर में कभी पहले भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो, यानी तुम यहाँ तो नहीं रहते। दादी ने इस कथन को दोहराने की यानी रिपीट करने की भी कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने पहले ही उस आंसर दे दिया और क्या बोला, पहली बार नहीं कई और बार भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही यानी जो ब्लू कलर की चिक होती है उसके पीछे खड़ी हुई थी और वहां से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर आए थे? अब मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी, संशय यानी डाउट और विस्मय यानी सरप्राइज, 3 प्रकार के भाव यहाँ पर आए हैं बच्चों। देखो, हर्ष, खुशी, संशय, डाउट और विस्मय यानी सरप्राइज हो गया एकदम से। और उन 3 भावों में डूबकर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। अब जब रोहिणी का अनुमान यानी गेस ठीक निकला तो वह और अधिक बेचैन हो जाती है, अस्थिर हो जाती है और उस मिठाई वाले से और बहुत कुछ जानना चाहती है। वह कहती है, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, यानी कि तुम जो छोटे छोटे बिजनेस करते हो, ये छोटा छोटा व्यापार करते हो, इससे तुम्हें कुछ बचता भी होगा? वो ये पूछना चाहती थी। अब वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। अब वो रोहिणी पूछती है, कैसे यह भी बताओ। अब मिठाई वाला कहता है कि अब उन बेकार की बातों पर चर्चा क्यों करूं, आप जाने दो, इन बातों को सुनकर आपको बहुत दुख होगा। अब देखो, जब इतना ही बताया है, रोहिणी कहती है, जब तुमने इतना ही बताया है तो यह भी बता दो, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा हर्जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी, यानी यहाँ पर वो कहना चाहती है कि तुम्हारा मैं घाटा नहीं कराऊंगी, तुम्हारी और अधिक मिठाई लूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही। अब देखो बच्चों, रोहिणी के इतने सवालों का जो जवाब था वो मिठाई वाला कैसे देता है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी वो थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी संपन्न प्रॉस्पीरियस आदमी था, मकान, व्यवसाय यानी बिजनेस, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था यानी बहुत सारा पैसा था और भीतर यानी घर के अंदर सारे सुख थे, स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी जब मेरे बच्चे खेलते थे, ये खिलौने वाला कह रहा है, मिठाई वाला कह रहा है कि जब उसके बच्चे घर में खेलते थे तो बहुत अधिक आनंद रहता था, समय की गति यानी समय ने काया पलटी और विधाता की लीला यानी ईश्वर की लीला हुई, अब कोई भी नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अब दादी घबरा गई, उसकी बात सुनकर जो दादी थी ऐसा हो गया था कि उनके प्राण निकाले नहीं निकल रहे थे, मुंह से कोई आवाज नहीं आई। अब वो क्या बोलता है, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे, यानी किसी कारणवश उसके परिवार में कुछ दुर्घटना हुई और वह उन बच्चों को उन प्यारे प्यारे गली में घूमते हुए बच्चों में ढूंढ रहा था। अब उस तरह रहता
तो घुल घुल कर मर जाता। वह कहता है अगर अपने परिवार के बिना अगर वो जीता तो वो जीकर भी मर जाता, इसलिए अब वो इन बच्चों के साथ जीना चाहता है, भले उसे उसके व्यापार में फायदा ना हो लेकिन बच्चों के साथ उसे सुख और संतोष मिलता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी वह अपने बच्चों की एक झलक देख लिया करता था, यानी जब गली मोहल्ले के बच्चे उसके पास आते थे तो उसे ऐसा लगता था कि उसे अपने बच्चे मिल गए हैं, इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। अब वो कहता था पैसे की कमी थोड़ी ही है, जैसे आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह से उसी को पा जाता हूँ। यानी वो कहना चाहता है यहाँ पर कि अगर थोड़ी कमी भी है तो मैं आपकी दया से, यानी आप जैसे लोग थोड़ा सामान खरीद लेते हैं तो मैं उन पैसों को पा जाता हूँ। अब रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आंसुओं से तर थी, यानी भरी हुई थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर रोहिणी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं, चुन्नू और मुन्नू। रोहिणी से लिपट कर और उसका आंचल पकड़ कर बोलते हैं, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला कहता है मुझसे लो। यह कहकर तत्काल यानी तुरंत वो कागज की दो दो पुड़िया मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू और मुन्नू को दे दी, यानी दो दो पुड़िया मिठाई से भरकर उन बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से, क्योंकि वो बालकनी में खड़ी थी, उसने अंदर से ही पैसे फेंक दिए। अब मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी कहती है, अरे अरे ना ना भाई, अपने पैसे लेकर जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, यानी कि वो बिना पैसे लिए ही आगे चला गया। दादी बार बार उस मिठाई वाले को पैसे देने के लिए जोर लगाती है, लेकिन मिठाई वाला बहुत स्वाभिमानी था, क्योंकि वो पैसों का भूखा नहीं था, वो भूखा था तो सिर्फ प्यार का और संतोष का, क्योंकि उसके परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसने अपने परिवार को खो दिया था, आज उसका परिवार उसके साथ नहीं था, इसलिए वो इन सब बच्चों में प्यार को ढूंढता था। वो बिना पैसे लिए आगे चला जाता है और थोड़ी दूर तक आगे जाने पर फिर उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखो बच्चों, आपने कई बार कई लोगों को पिज़्ज़ा शॉप पर पैसे कम कराते हुए नहीं देखा होगा। 500 या 1000 का पिज़्ज़ा लोग बड़े शौक से खाते हैं और एक रुपया भी कम नहीं कराते, लेकिन 10 या 20 रुपए की चीज़ किसी गरीब से खरीदते हुए हमेशा कहते हुए सुना होगा कि कुछ कम कर लो, थोड़े कम लगा लो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति 2-5 रुपए भी नहीं कमाएगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जो 2-5 रुपए हम कम कराते हैं उन 2-5 रुपए से ही किसी का घर चलता है, इसलिए हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में बड़प्पन दिखाना चाहिए, ना कि छोटापन। किसी ने सही कहा है, गरीबों के बच्चे भी खाना खा सके त्योहारों में, तभी तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। यानी जिन भगवान की मूर्तियों को खरीद कर हम उनकी पूजा करते हैं, विसर्जन करते हैं, वे भी किसी गरीब के द्वारा बनाई हुई होती हैं, इसलिए हमें कभी भी इन चीजों में मोल भाव नहीं करना चाहिए। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, चलो थोड़ा नेक काम कर लेते हैं, बिना पैसे कम कराए कुछ सामान खरीदते हैं और किसी गरीब की झोली भरते हैं। धन्यवाद।